हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शगुन एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप वेल अरोमा के प्रोडक्ट से कैसे आप एक अच्छा सा फेशियल कर सकते हो और कैसे अच्छे से अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। तो आज मैं आपको वेल अरोमा के प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी कि उनकी रेंज क्या है, अफोर्डेबल है या नहीं है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि वेल अरोमा के जो प्रोडक्ट्स हैं, वेल अरोमा का मिक्स फ्रूट फेशियल मैं आज आपको दिखाऊंगी, बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छा है, जिससे कि आप नॉर्मली पार्टी में जा रहे हो, आपको रिजल्ट चाहिए अच्छा, अपने फेस पर ग्लो चाहिए, तो आप इस फेशियल को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और अगर आप बिगनर्स हो या फिर आप अपने पर्सनली यूज़ के लिए कोई फेशियल चाह रहे हो, तो आप ये वाला फेशियल ज़रूर देखिए, आप इस वाले फेशियल में ज़रूर इन्वेस्ट करके देखिए एक बार, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको हैंड टू हैंड ग्लो पता चलेगा, आपके फेस पर हैंड टू हैंड ग्लो दिखेगा आपको। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एक्वा का रोज वाटर, रोजा का क्लींजिंग मिल्क एंड वेल अरोमा का मिक्स फ्रूट स्क्रब एंड वेल अरोमा का ही मिक्स फ्रूट मसाज क्रीम। फेशियल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने क्लाइंट को अच्छे से रैप कर लीजिए, उसको एक टॉवल से मतलब अच्छे से उसके नेक को रैप कर दीजिए, जिससे कि उसके कपड़े गंदे ना हों। सेकंड, आपको फेशियल स्टार्ट करने से पहले उनके फेस को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तो मैंने एक्वा का रोज़ वाटर लिया है, उसको फेस पर स्प्रे करने के बाद कॉटन की हेल्प से आप उसको क्लीन कर लीजिए। नेक्स्ट, आपको चाहिए क्लींजिंग मिल्क। मैं यहाँ पर रोज़ा का क्लींजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत अच्छी है। ये रोज़ा का जो क्लींजिंग मिल्क है बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छे से आपके फेस को डीप क्लीन कर देता है। आपको बिल्कुल जेंटली मसाज करने के साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा क्लींजिंग मिल्क लेना है। आपको ऐसा नहीं एक बारी में आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लो, आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेकर अपने फेशियल को स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको फेस को क्लीन करना होता है, सेकंड आपको फेस क्लींजिंग के लिए क्लींजिंग मिल्क का यूज़ करना होता है। आप मेरे स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि स्टेप्स के ऊपर ही होता है हमारे फेशियल का रिजल्ट आना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वेल अरोमा के मिक्स फ्रूट फेशियल के बारे में बताऊंगी कि ये कैसा होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ करनी है, कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वॉल्यूम को, वॉइस को सुनते सुनते आप मेरे स्टेप्स पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप कोई स्टेप्स नहीं पता होंगे तो आपकी फेशियल का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। आपको जेंटली मसाज करना है क्लींजिंग मिल्क से, ऐसा नहीं आपको बहुत देर तक करना है, 2 या 3 मिनट तक के लिए मसाज इनफ होता है। आप 2 या 3 मिनट मसाज कीजिए और नॉर्मल पानी से, जो नॉर्मल पानी होता है उससे आप अपने फेस को क्लीन कर लीजिए, वाइप आउट कर लीजिए। आप यहाँ पर कोई टिश्यू ले सकते हैं, कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, हैंकी ले सकते हैं, या जो स्पंज होते हैं फेशियल के वो भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि मैं आपको अपना रियल वर्क दिखाऊंगी, ये मेरी कोई क्लाइंट नहीं है, ये मेरी मदर है, तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं जिन क्लाइंट्स का फेशियल करती हूँ, जितने क्लाइंट्स आते हैं, जल्दी से क्लाइंट अलाउड नहीं करते अपने फेस की वीडियो अपलोड कराना। तो फ्रेंड्स, हमें क्लाइंट सजेस्ट करना पड़ता है, बहुत देर तक उनकी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, अगर वो मानते हैं तो ही मुझे उनका वीडियो शूट करना होता, अदरवाइज़ काफ़ी सारे क्लाइंट्स को प्रॉब्लम होती है अपने फेस की वीडियो शूट कराने में। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी मम्मी का फेशियल कर रही थी तो मैंने सोचा ये वीडियो शूट कर लेती हूँ। सेकेंड, मैंने लिया है इसमें वेल अरोमा का ही मिक्स फ्रूट स्क्रब। आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है स्क्रब की, अच्छे से फेस पर स्प्रेड करके आपको सर्कुलर मोशन में जेंटली मसाज करना है। ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि स्क्रब को हम जितनी देर तक मसाज करेंगे हमारा फेशियल का रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा, ऐसा नहीं है। हमें जेंटली मसाज करना है, बिल्कुल भी हार्ड हैंड से मसाज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम हार्ड हैंड से मसाज करेंगे तो हमारे क्लाइंट के फेस पर रेड रेड रैशेज आ सकते हैं, फेस पर रेडनेस आ सकती है। तो आपको जेंटली 3 to 4 मिनट्स के लिए मसाज काफ़ी होता है। आपको ऐसे 2 फिंगर्स में एक फिंगर्स को डालकर
अच्छे से स्क्रबिंग करनी है, अच्छे से मसाज करना, अच्छे से एक्सफोलिएट करना है अच्छे से, जिससे कि आपके फेस पर जितने भी डेड स्किन की लेयर हो सारी निकल जाए, जितनी भी चेहरे पर गंदगी हो सारी निकल जाए। आप मेरे स्टेप्स को ध्यान से देखिए, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपके फेशियल का रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा। फ्रेंड्स, आप इस स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखिए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये मेरा पार्लर नहीं है, मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी को फेशियल कराना था। मेरा पार्लर मेरे घर के ऊपर है तो मेरी मम्मी को ऊपर नहीं जाना था, तो उन्होंने कहा तू नीचे ही मेरा फेशियल कर दे, तो मैंने रूम में ही मम्मी का फेशियल कर दिया। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको जब 3-4 मिनट हो जाए, बहुत होता है इतना मसाज के लिए, स्क्रबिंग के लिए, आप उसके बाद किसी कॉटन के कपड़े की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। सेकंड, मैं यूज़ कर रही हूँ वेल अरोमा का मिक्स फ्रूट फेशियल जेल। मैं सारा इसमें वेल अरोमा का मिक्स फ्रूट फेशियल ही दिखा रही हूँ आपको, एक ही प्रोडक्ट से हुआ है इसमें, ऐसा नहीं है मैं किसी और ब्रांड का कुछ और ले रही हूँ, किसी और ब्रांड का कुछ और, ऐसा नहीं है, मिक्स फ्रूट का ही हर चीज़ दिखा रही हूँ, वो भी वेल अरोमा का ब्रांड का। फ्रेंड्स, मिक्स फ्रूट फेशियल वेल अरोमा का बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छे से फेस को क्लीन कर देता है, काफ़ी अच्छा लुक आता है फेस पर। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हमें अफोर्डेबल प्राइस में कौन से फेशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप वेल अरोमा के मिक्स फ्रूट फेशियल में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा है। नॉर्मल आप किसी पार्टी में जा रहे हो, कोई फंक्शन है घर का, तो आप इजीली इसे अप्लाई करके अपने फेस पर ग्लो ला सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपके फेस पर ग्लो आ जाता है। नेक्स्ट, आप मेरे स्टेप्स को देखिए, मैं फेशियल जेल से अच्छे से मसाज कर रही हूँ। मसाज आप देखिए, मसाज हमें ऐसे करने थे जिससे क्लाइंट को अच्छे से रिलैक्स हो, बिल्कुल लाइट हैंड से आपको रिंग फिंगर की हेल्प से आईज़ के अराउंड सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, जिससे कि जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो भी हल्के रिमूव हो। आप स्टेप्स देखिए मेरे ध्यान से, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली आपके फेशियल का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। देन आपको फेस लिफ्टिंग करनी है। फ्रेंड्स, फेशियल में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो होती है वो होती है हमारे स्टेप्स। हम स्टेप्स कैसे कर रहे हैं सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि हमारे स्टेप्स कैसे हैं। अगर हमारे स्टेप्स अच्छे नहीं होंगे, हमें ये नहीं पता होगा कि पहले क्या चीज़ लगानी है, सेकेंड क्या चीज़ लगानी है, तो हमारा रिजल्ट नहीं अच्छा आ पाएगा। काफ़ी सारे लोग काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के फेशियल करते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं, बट उनके जो स्टेप्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते, तो उसकी वजह से उनके फेशियल का रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता। तो फ्रेंड्स, सबके करने का तरीका अलग होता है, मेरा करने का तरीका यही है। मैं चाहे मिक्स फ्रूट का फेशियल करूँ, गोल्ड का करूँ, डायमंड का करूँ, कुछ भी करूँ, मेरे स्टेप्स यही होते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। आपको आईब्रो की जस्ट बराबर में फेस पर पिंचिंग करनी है, स्लैपिंग करनी है, जिससे कि आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेशन जनरेट हो और आपके फेस पर इंस्टेंट ग्लो आए। आपको आईज़ पे हल्का सा वाइब्रेशन देना है, जिससे कि आपके आईज़ पर भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से, आपके क्लाइंट के फेस पर सर्कुलर मोशन में मसाज के साथ साथ स्लैपिंग करनी है, और आपको 2 फिंगर्स की हेल्प से क्रिस क्रॉस करना है, जिससे कि आपकी स्किन टाइट हो हल्की सी, क्योंकि 35 एज के बाद हमारी स्किन ढीली पड़ने लगती है, लटकने लगती है, तो उसके लिए हमारे अगर हम मसाज के स्टेप्स अच्छे देंगे तो ही हमारे फेशियल का रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि मसाज के स्टेप्स हमारी स्किन को टाइट करने के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से देखिए। आपको मसाज जब तक करनी है जब तक आपके फेस पर जो आपने ये जेल लगाया जब तक अच्छे से आपकी स्किन में ऑब्जर्व ना हो जाए। फिंगर में रिंग फिंगर की हेल्प से आपको सर्कुलर मोशन में आईज़ के ऊपर भी मसाज देना है। आपको अपने क्लाइंट को बिल्कुल रिलैक्स फील कराना है, बिल्कुल रिलैक्स। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो बिल्कुल ध्यान से, ये जो मसाज जेल था बिल्कुल अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो चुका है। मैंने ये वीडियो स्पीड में किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसे स्पीड में नहीं करती तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो बस मेरा जो मेन पर्पज़ है आपको स्टेप्स दिखाना है, ये बताना है कि पहले क्या चीज़ लगाते हैं, सेकेंड क्या चीज़ लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप आई होप आपको मेरे ये स्टेप समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट, मैं यूज़ कर रही हूँ वेल अरोमा का मिक्स फ्रूट फेशियल मसाज क्रीम। ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छी सी क्वांटिटी में मसाज क्रीम ले लेना है और सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। सेम इसमें भी सेम वही स्टेप्स होंगे, आप स्टेप्स बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। ये भी आपको तब तक मसाज करनी है जब तक ये पूरी मसाज क्रीम आपकी क्लाइंट के फेस में अच्छे से ऑब्जर्व ना हो जाए।
फ्रेंड्स, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताया कीजिए, और उसके लिए सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताया कीजिए कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हो, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आपके लिए मेरी वीडियोस हेल्पफुल होती हैं या नहीं। फ्रेंड्स, अभी मेरी स्टार्टिंग है, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी, आप लोगों को बहुत हेल्प होगी उन वीडियोज़ से। सो फ्रेंड्स, आप स्टेप्स को देख रहे हो, आपको चिन पे, चीक पे, आइस पे, नोज पे, फोरहेड पर, हर जगह मसाज करना है अच्छे से। आपको फेस लिफ्ट करना है, ऊपर की साइड फेस लिफ्टिंग करनी है आपको, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि 35 ईयर से ऊपर की जो एज होती है उसमें हमारी स्किन जो है लटकने लगती है, ढीली होने लगती है। तो मसाज का मेन पर्पज़ यही होता है कि हमारी स्किन टाइट हो, जो हमारी आइज़ के पास जो लाइनें पड़ जाती हैं वो ना पड़े, वो टाइट हो जाए, हमारी आँखों के पास जो खाल होती है जो आँखों के पास की, वो ढीली पड़ जाती है। तो हमें उस हिसाब से मसाज करनी है। हमें पता है ऐसा नहीं होता कि हर एज के लिए सेम मसाज होती है, फ्रेंड्स ऐसा नहीं। इस चीज़ को भी मैं आपको बता दूँ, जो टीनेजर्स होती हैं, जो उनका क्लीनअप होता है उसमें भी हमें ज़्यादा मसाज नहीं करना होता। जो 22 से 25, 28, 29 तक की एज के लोग होते हैं उनको भी ज़्यादा मसाज नहीं देते हैं। हमें क्लाइंट की एज के अकॉर्डिंग मसाज देना चाहिए, उनकी स्किन के हिसाब से मसाज देना चाहिए। अगर उनकी स्किन ज़्यादा लटक रही है, ज़्यादा आँखों के पास ज़्यादा लाइन्स हैं, जो स्माइल की जगह लाइन पड़ जाती हैं, स्माइल लाइन्स पड़ जाती हैं, अगर वो ज़्यादा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग मसाज देना होता है। अगर आपके क्लाइंट की स्किन ज़्यादा लटकी हुई है, ज़्यादा ढीली पड़ी हुई है, तो उनको मसाज हमें देना होता है ज़्यादा टाइम तक। आप उन्हें 10 से 15 मिनट की मसाज दीजिए, जिससे कि अच्छे से रिलैक्स हो आपका क्लाइंट। आपको जैसे मैंने अभी फेशियल जेल में आपको बताया था मसाज करना, सेम फेशियल क्रीम में भी, मसाज क्रीम में भी आपको उसी तरह से मसाज करना, स्लैपिंग करनी है, पिंचिंग करनी है, सर्कुलर मोशन में, आइज़ के पास, चिन के पास, चीक के पास, जो आपकी आईब्रोज होती है इनके पास, फेस को वाइब्रेशन देनी है, जिससे कि आपके फेस पर अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन जनरेट हो, जिससे कि आपके फेस पर ग्लो आए, बहुत ग्लो आए, ठीक है। और आपको अगर फ्रेंड्स आपका पार्लर है तो आप अपने क्लाइंट को ये ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा फेशियल के बाद कि आप 24 आवर्स तक अपने फेस पर कोई केमिकल ना लगाएं, जितना हो सके अपने फेस को ठंडे पानी से धोएं और जितना हो सके यूरिन पास करें फ्रेंड्स, क्योंकि हम ऊपर से दे सकते हैं ग्लो फेशियल करके, क्लीनअप देके। देन सेकंड फ्रेंड, मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ वेल एरोमा का मिक्स फ्रूट फेस पैक, जो बहुत हार्ड होता है। फेस पैक किसी भी ब्रांड का ले लो, वो हार्ड ही होता है। तो इसको लिक्विड कंसिस्टेंसी में करना है, इसको बिल्कुल इतना होना चाहिए कि वो अच्छे से आपके फेस पर अप्लाई हो जाए। तो आप इसमें टोनर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक्वा का रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, जो सारी स्किन टोन्स के लिए अच्छा होता है, हर स्किन टाइप के लिए अच्छा होता है। तो आपको अच्छे से मिक्सअप करने के बाद अपने फेस पर ब्रश की हेल्प से या फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर देना है, बहुत पतली सी लेयर आपको अप्लाई करनी है। फ्रेंड्स, हमें कहाँ पर थी, मैं ये थी कि अपने क्लाइंट को बोलिए आप कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास करें, फेस पर कुछ ना लगाएं और अपने फेस को पैक रखें। और अगर वो धूप में कहीं जाते हैं तो वो अपने फेस को पैक करके जाएं, सनग्लासेस को लगा कर जाएं और सनस्क्रीन को लगा कर जाएं। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रही थी कि हम फेस के ऊपर की क्लीनिंग तो कर देते हैं, फेशियल से, क्लीनअप से, इन सब चीज़ों से क्लीनिंग तो कर देते हैं, बट हमारे अंदर की जो क्लीनिंग होती है, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो पहली बात, तो हमें ज़्यादातर पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी अंदर से हाइड्रेट रहती है। हमें हेल्दी हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आप फेस पैक को अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आप कॉटन पैड्स ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए, उसके ऊपर हल्का सा रोज़ वाटर स्प्रे करके उनकी आइज़ पे रख दीजिए, आँखों को क्लोज करके, उनकी को आइज़ को क्लोज करके उन्हें रिलैक्स करके लिटा दीजिए बिल्कुल। फिर आपको 15-20 मिनट बाद देखना है, आपको पूरा मतलब अच्छे से नहीं सुखाना है, अपना फेस पैक जो है 70-80% ड्राई करना है, और फिर आपको वो ड्राई ही नहीं छुटा देना है। आपको उस पर टोनर स्प्रे करना है, आप जो भी टोनर यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, बट रोज़ वाटर ऑल स्किन टाइप्स के लिए अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पर रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा स्प्रे कीजिए और हल्का सा अपने फिंगर से अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप
वाइप आउट कर दीजिए अपनी फेस को। फ्रेंड्स सबका करने का तरीका अलग होता है, मेरा करने का तरीका ये, क्योंकि मुझे जो ये तरीका जिस तरीके से मैं फेशियल करती हूँ मुझे इससे बहुत अच्छा ग्लो मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है मुझे इस फेशियल से। सो फ्रेंड्स फाइनल रिजल्ट आपके सामने आप लोग देख सकते हैं, ये फाइनल रिजल्ट है। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आज मैंने आपको बताया कि आप वेल अरोमा के मिक्स्ड फ्रूट फेशियल से कैसे फेशियल कर सकते हैं। आपने मेरे स्टेप्स को देखा अच्छे से, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको 110% एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपने फेशियल का। और फ्रेंड्स आप मेरे कहने से एक बार इस फेशियल में इन्वेस्ट करके देखिए, ये फेशियल रियली में बहुत अच्छा है। इस फेशियल का रिजल्ट आपको हैंड टू हैंड देखने को मिलेगा। आप अगर इसे किसी क्लाइंट को देते हो, किसी क्लाइंट के फेस पर इसको करते हो फेशियल को, या आप अपनी पर्सनल यूज के लिए भी लेना चाहते हो तो आप इस फेशियल में इन्वेस्ट कर सकते हो, फेशियल बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। और अगर आप लोगों को इसका रिजल्ट अच्छा लगा, अगर आप लोग इस फेशियल को ट्राई करते हो तो इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा रिजल्ट जो रहा है वो इस मिक्स फ्रूट फेशियल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों ने ट्राई करके इसका रिजल्ट कैसा रहा आप लोग। अगर आप लोग मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।